क्या बात है, अल्लाह जानता है हर सूबे च एक एक साल किराए ते रहा है। याद है सनम जी, हैदराबाद चौक दे विच एक बंदे नूं छित्र पै रहे सन, मार पै रही सी जी। ओ मैं नहीं सी। आयशा सनम आई है। मैं सनम जी से पूछना चाह रही थी कि इंडियन सिंगर काका के साथ आपकी वीडियोस बहुत वायरल हुई हैं, तो काका को घुटती तो नहीं दी आपने? मैं आपको एक बात बताऊं कि इतने डाउन टू अर्थ इंसान मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। हमारा कॉन्सर्ट स्टार्ट था और मैं अभी होटल पे पहुंची नहीं थी और वो बाहर वेट कर रहा था मेरा, और मुझे लगा कि मतलब इतना बड़ा आर्टिस्ट है मुझे कहाँ जानता होगा। जब उनको मैंने देखा, मैंने कहा काका जी आप इतना अच्छा काम करते हैं, उन्होंने कहा मुझे तो छोड़े, मैं तो आपका वेट कर रहा था कि आप कब आएंगे ताकि मेरा आपके साथ मैं बात कर सकूं, आपका फैन हूं। अरे इतने इतना अच्छा काम करने वाला। तो काका जी के साथ बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह। एक और भी हमारा सॉन्ग आ रहा है सनम जी। तनु याद हो मंगल वाले दिन तनु राती 12:30 एक फोन आया जी, तुसे को कर सी हेलो कौन 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 को कोई नहीं बोलिया, तुसी सी हो। याद है सनम जी मंगल वाले दिन तुहानू फोन आया ते फोन ते बंदा कह रहा सुबह सिरी मैनू देना। हाँ जी सदके दी सिरी वार के मैनू देना। ओए ओए यकीन करें मैडम मेरी और आपकी निस्बत काफी यानी कि ना मिलती है, गहरी है जी जी, क्योंकि मैंने जब भी किसी को हंसाने की कोशिश की है उसने मुझे आगे से यही कहा मारवी। मैं बचपन में बहुत प्यारा था, मुझे अक्सर परियां लेके जाया करती थी। परियां ले जांदियां सी ते जिन्ना आगे पा देंदियां सी। इहनूं परियां नहीं सी लेके जांदियां, परियां दे अब्बू लेके जांदे सी, क्योंकि परियां सौंदियां ना सन फिर इहनूं वेख के डर के सौ जांदियां। यकीन करें मैम, लेकिन अब बिलीव किसी पर नहीं मैं करता। यकीन करें इस पे मैंने एक छोटा सा शेर लिखा है, गलत थे वादे मगर मैं यकीन रखता था। वाह वाह, गलत थे वादे मगर मैं यकीन रखता था, वो शख्स लहजा ही बड़ा दिल नशी रखता है। वाह 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 वाह, दूर जाने से मोहब्बत और बढ़ेगी, बिल्लो बगे बिल्ले दकी करेंगी। यकीन करें अच्छा सिंगर है ऑन बेबी जस्ट कम ऑन। मैम ये जो मैंने लिखा है ना आज, यकीन करें ये सुनने वाली है गेम लाने से सच बोलो, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि आपका सच किसी के सीने में तीर बन के ना लगे। अरे वाह 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 वाह, जो लोग बड़े फखर से कहते हैं ना कि हम सच्ची बात करते हैं चाहे किसी को गुस्सा लगे, तो मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि ये बुरी आदत है। अगर आपने सच ही बोलना है तो इस अंदाज में बोलें कि सुनने वाले की कभी दिल आजारी ना हो। हाय हाय, इस पे मैंने लिखा है निशानची का निशाना भी चूक सकता है, निशानची का निशाना भी चूक सकता है, खता हो सकता है उससे कभी कमान का तीर, बंद निगाह तवज्जा कहीं और भी हो लेकिन निशाना दिल को बनाता है ये जुबान का तीर। यही गुजारिश मैं बारहा करूं, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। ये आखिरी शेर है मैडम, बहुत प्यारा शेर है, बहुत प्यारा। नहीं के झूठे मुनाफक की तरफदारी करो, मगर जुबान से किसी पर ना वार कारी करो, ये बात सच है कि सच्चे का बोल बाला है, ना अपने सच से किसी की भी दिल आजारी करो, है अपनी जुबान पे जिसकी लगाम, बादाम बादाम है कच्चा बादाम। बड़ा दर्द है आपकी आवाज में। बहुत शुक्रिया।
ये जाती है या किसी ने दिया है? दिए भी बहुत हैं दर्द। ना दस देना अपने फैन नो दा ना दस देना है तुसी। तनु याद मैं तड़क किस किस्म दा फैन एक दर खाकी लफाफे च कमा आके तो अड़कर को बिल्ली सोड़ के गया सी। हाँ जी। अपने गाने गाए या कुछ ऐसे स्टूडियोज हैं जिनके गाने गाए? ओएसटीज आपने बड़े जबरदस्त गाए, तो कोई ओएसटी सुनाइए। जरूर। कोई जख्म नहीं कोई बात नहीं, एक घाव समेटे बैठे हैं, अब कोई वसीहा क्या कहना, हम गम को दवा ही कहते हैं। क्यों डूब गई एक शाम, हम कैसे हुए बेमान, हम कैसे हुए बेमान।